मॉर्निंग डेली अपडेट में आप सबको वेलकम करता हूँ। लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सुबह के वक्त मॉर्निंग अपडेट में बहुत ज्यादा न्यूज जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबली न्यूज जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कोरोना वायरस के रिलेटेड या कोई और जो मतलब कि कुछ न्यूज हो जाती है, मैं आपको उसी के बारे में आपको मॉर्निंग अपडेट्स में आपको यहाँ पर जो है वो आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते दोस्तों की वर्ल्ड वाइड के अंदर कोरोना वायरस जो है के कितने पेशेंट यहाँ पर बन चुके हैं, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना के आउटसाइड और मुल्कों के अंदर कितने पेशेंट जो है यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करूं वर्ल्ड वाइड पेशेंट की बात करूं, 71,000 लोग जो है 71,000 पेशेंट यहाँ पर बन चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस 71,000 पेशेंट के अंदर कितने जो है वो मर चुके हैं और कितने जो है अभी जो मतलब कि उनको डिस्चार्ज कर लिया है दोस्तों, कितने जो है वो हॉस्पिटलाइज है दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों कि रिकवर कितने हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर 11,000 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। अब वो पेशेंट जो कि बिल्कुल सीरियस कंडीशन के अंदर मतलब कि वो मौत के करीब पहुंच चुके हैं, उनकी तादाद जो है दोस्तों यहां पर 11,000 हो चुकी है दोस्तों। जो मिड कंडीशन में या तो मतलब ना तो सीरियस है ना तो कोई मतलब कि बिल्कुल अपने दरमियाने हालत में है दोस्तों, तो वो कितने यहां पर 47,116 ऐसे लोग हैं जो कि मिड कंडीशन के अंदर है दोस्तों। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कितने कोरोना वायरस के जो केसेस है वो सामने आ चुके हैं। लाहौर से हमें 3 ऐसे केसेस मिलते हैं दोस्तों जहां पर 3 चीनी बाशिंदों के अंदर कोरोना वायरस के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन केसेस को पता चलने के बाद उनको लाहौर सिविल सर्विस अस्पताल में मुंतकिल कर लिया दोस्तों। उनको आइसोलेशन वार्ड में कि आईसीयू में रख करके उनका चेकअप जो है वो स्टार्ट कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है दोस्तों कि एक और पेशेंट जो कि सिंध का रहने वाला है उसके अंदर भी जो है कोरोना वायरस का रिजल्ट जो है वो यहां पर पॉजिटिव आ चुका है दोस्तों। उम्मीद कर दोस्तों आपको आज की मॉर्निंग अपडेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते कि हमें और अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटे को भी दबा दो ताकि आपको हमारे डेली की वीडियोज मिलती रहे। तब तक के लिए अपने भाई हाफिज को इजाजत दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर पाकिस्तान।